तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपका भाई मस्त है। सो गाइस, बहुत दिन से आप लोग को रूम का वीडियो दिखाए हैं, इधर का उधर का दिखाए। आज जा रहे हैं गाइस, एक यहाँ पे डैम है फेमस बहुत, रांची का कांके डैम। सो गाइस, वहाँ पे जा रहा हूँ मैं और तैयारी हो चुका है। शूज वगैरह मैं पहन लिया हूँ, ये देख सकते हैं, और रेडी हो चुका हूँ। और ये रहा मेरा हेलमेट और बाहर में बाइक है। सो चलते हैं गाइस और फिर आप लोग को वहाँ पे जाके दिखाते हैं। सो वीडियो अंत तक बने रहिएगा। आज का टाइटल और थंबनेल देखिए, आप लोग को पता ही चल गया होगा। अंत तक बने रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, काफी मजा आने वाला है आज का वीडियो में। और चैनल में अगर नहीं हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। कितना टाइम लगेगा पता नहीं, 3.5 किलोमीटर दूर है। सो वीडियो पे बने रहिएगा। फाइनली गाइस, मैं कांके डैम पार्क पहुंच चुका हूँ। और गाइस, बहुत दिक्कत होगा, किधर ना किधर मैप ले गया था गूगल में, तो कांके डैम पार्क सर्च किया मैंने, तब जाके सही लोकेशन पे लेके आया। सो गाइस, आप लोग को दिखाते हैं यहाँ का सीन, कांके डैम। तो देख सकते हैं, इधर मैं हूँ और बैक कैमरा से आपको दिखा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे पता नहीं बतख पालन है, मछली पालन है, और ये रहा कांके डैम, काफ़ी बड़ा है गाइस। मैं सोचा था छोटा सा होगा, और मैं पार्क का टिकट ले लिया हूँ, 10 रुपये पर पर्सन है। तो आप यहाँ पे आके इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं, मगरमच्छ बना हुआ है और ऐसा है पार्क। चलते हैं उधर और आप लोग को दिखाते हैं। और मेरा बाइक में ना कुछ दिक्कत था, उस वजह से लॉक नहीं हो रहा था। तो मैं जो टिकट काटता वो अंकल को बोला है अंदर में रख दूँ, क्या मेरा टिकट का लॉक नहीं हो रहा बाइक, तो बोला ठीक है रख दो। तो अंदर में मैं रख दिया हूँ और अंदर आ चुका हूँ। गाइस देख सकते हैं, पहाड़ भी है, उसमें चढ़ते हैं और फिर वहां से सीन लेंगे। काफी मजा आने वाला है ना गाइस, काफी खूबसूरत है कांके डैम। और देखिए, वहां भी मछली पालन शायद किया हुआ है। और रांची सिटी यहां से थोड़ा थोड़ा दिखता है, आप लोग देख रहे होंगे। सो इसके अंदर में कौन सा मंदिर है? जय माँ सरना, सरना जय माँ सरना। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ है पहाड़ के नीचे जस्ट, और ये रास्ता किधर गया मालूम नहीं, और जस्ट पहाड़ है वहां पे, ज्यादा खास नहीं। और अकेले आया हूँ तो उतना मन भी नहीं लग रहा है, कोई साथ में आता तो। यहाँ पे अगर आपका जीएफ है या तो फैमिली है तो उसको लेके आ सकते, काफी इंजॉय हो सकता है। सिंगल आए तो उतना मन भी नहीं लग रहा है, मुझे खोजने में ही आधा घंटा लग गया। बाइक जैसे इधर खड़ा है, थोड़ा आगे चल के आप लोग को डैम दिखा, बना हुआ है, काफी अच्छा लगता है, बट अकेले रहने के बाद अकेले महसूस होगा। अब उधर थोड़ा आगे चलते हैं और फिर आप लोग को डैम दिखाएंगे, एक दो फोटो। यहाँ पे बोटिंग भी है, आप बोटिंग भी ले सकते हैं। ये दिखाते हैं ये रोड कहाँ जाता है, शायद उस पार जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं थोड़ी देर आगे। और इसके ऊपर जाने के लिए किधर से जाना पड़ता है पता नहीं, वही देखेंगे, अलग रास्ता है, इसमें नहीं घुस सकते। यहाँ से डायरेक्ट घर, क्योंकि अकेला आया हूँ तो उतना मुझे पता भी नहीं है और अच्छा भी नहीं लग रहा है इधर। सो बाइक वहाँ पे लेते हैं और फिर निकलते डायरेक्टली घर। टाइम हो चुका है 12:30। प्यारा लगता है देखने में। और ये पहाड़ पता नहीं किधर से रास्ता था आउटसाइड में, तो मैं कभी भी जाऊंगा तो आप लोगों को दिखा दूंगा। चलते हैं से घर, और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर घर जाके आप लोग से बातें करते हैं। ओके, यहाँ पे एक शॉप है, आप कुछ भी ले सकते हैं। उधर मंदिर है, सो हम गए थे अंदर, पता नहीं किधर था, हमको समझ में नहीं आया। सो चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट फिर।
फाइनली गाइस घूम के आ गए और मैप से मैं गया था तो दूसरा तरफ ले गया था वो दूसरा तरफ, तो फिर कांके डैम पार्क मैंने लोकेशन में डाला, तब जाके फिर पुलिस लाइन रोड में गए और उधर से सीधा है, ज्यादा दूर नहीं है, 4-5 किलोमीटर दूर है, बस ट्रैफिक होने के कारण टाइम लग जाता है गाइस। तो काफी अच्छा था और अच्छा लगा, आप लोग भी देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और ऐसे ही और आप लोग को दिखाते रहेंगे और घुमाते रहेंगे, तो भाई को सपोर्ट करें। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग पे कुछ अच्छा लगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय।